नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। एग्रीमेंट संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, और इसके अलावा किसी भी तरह की अगर कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स खुल चुके हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सीधा सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। विषय आज का एक बार फिर हम आपको बताते हैं, हमारा आज का विषय समझौते से जुड़ा हुआ है। समझौते से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में, तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान हिमांशु पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। हिमांशु, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है, क्या कहता है ये कानून? देखिए, आज के विषय को हमें दो भागों में समझना होगा। सबसे पहला कि एग्रीमेंट है क्या, इसे किस तरह की कानूनी मान्यताएं प्राप्त हैं, और कौन से कानून के द्वारा ये संचालित होती है, पहला जी। दूसरा ये कि जो तरह तरह के कंटेक्स्ट में एग्रीमेंट होते हैं, तो जो एग्रीमेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्या कोई स्पेसिफिक कानून है कि नहीं, और है तो वो कैसे संचालित होता है। बेसिकली आज के दौर में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये बेसिक लॉ है एग्रीमेंट के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि पार्टी कब एग्रीमेंट कर सकती है, और कौन कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होंगे कानून के अंतर्गत, और कौन कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल नहीं होंगे। साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी बताता है कि आपका दायित्व कैसे बनता है, कब बनता है, और आप अपने जो एग्रीमेंट बनाए उसको कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। और ये भी बताता है कि अगर आप अपने दायित्व को कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो आपने लिया है, एग्रीमेंट के अंतर्गत जो आपने लिया, अगर उसको आप ब्रीच करते हो तो आप पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके साथ में एक और एक्ट जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। जब कोई एग्रीमेंट तोड़ता है तो जो सेकंड पार्टी होती है वो कैसे रिलीफ ले सकती है, वो डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये सब जो बेसिक कानून है जो एग्रीमेंट को डील करते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग कंटेक्स्ट में जो, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनी से अगर हम देखें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको गवर्न करती है। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग जो कानून के प्रावधान इसमें हैं। चलिए, बिल्कुल इसके बारे में बारीकी से हम चर्चा करेंगे। साथ ही अपने दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, और जो ये नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो हमारा आज का विषय है वो समझौते से जुड़ा हुआ है, कि समझौते से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिमांशु, किन किन मामलों में एग्रीमेंट करना बेहद ज़रूरी होता है? देखिए, एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर विश्वास करती है और अपने पोजीशन को चेंज कर लेती है, और उसके बाद अगर वो पार्टी जिसके साथ इसने एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर पाती, तो वहां पे पहली पार्टी को मुश्किल होती है। आज की डेट में अगर आपका कोई भी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में घुसने का है, जाने का है, तो उन सब जगहों में एग्रीमेंट करना काफी महत्वपूर्ण होता है आज की डेट में। ऐसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हम मौखिक एग्रीमेंट एक दूसरे से करते रहते, अपने दोस्त से करते रहते, सगे संबंधी से करते रहते, जगह जगह पे करते रहते, लेकिन जहां पर हमारा इंटेंशन होता है कि हम अपने
आप को बाउंड डाउन कर ले उस एग्रीमेंट के थ्रू, उस केस में हमें एग्रीमेंट करना काफी जरूरी होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, या हम कोई गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं, या कोई कॉन्साइनमेंट वगैरह हम भेज रहे हैं, तो जितने भी ट्रेड एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, उस हर जगह पे एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। और इससे पारदर्शिता बनी रहती है, और साथ साथ पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी कुछ गलत कर रही है तो आप कानून का रास्ता आप ले सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो एग्रीमेंट को लेकर कोई समय अवधि निश्चित होती है, 11 महीने, एक साल, या फिर कितने भी वक्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं नहीं, जो आपने कहा 11 महीने साल भर, ये लीज डीड होती है। जैसे जो एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट क्या होता है, दो पार्टियों का मन, आप दो पार्टी जिस कंक्लूजन पे पहुंचती है, जो दोनों करना चाहती है, उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। जब दो पार्टी आपस में कोई समझौता करती है, तो पार्टी के विल के ऊपर निर्भर होता है कि उस समझौते में, उस बात में, एग्रीमेंट में क्या क्या बातें रहेंगी और उसको कब परफॉर्म करना। अगर एग्जांपल के तौर पे ले कि अगर मैं कोई मकान खरीदना चाहता हूं और कोई बिल्डर उसे बेचना चाहता है और वो बिल्डर उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है, तो उसमें पार्टी की विलिंगनेस के आधार पे उसके टर्म्स तय होंगे कि कितने दिन में वो बन जाएगा, कितने दिन में उसकी डिलीवरी होगी, मुझे कैसे कैसे पैसे देने हैं। तो जितने भी टर्म्स कंडीशन होते हैं वो पार्टी के विलिंगनेस के आधार पे तय होते हैं। समय सीमा भी पार्टी अपने आप तय करती है। आप जो 11 महीने और एक साल की बात करें, वो जनरली हम जैसे जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसमें हम सुनते हैं कि जो 11 महीने तक का रेंट होता है उसको हमें रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता, और जो 11 महीने के ऊपर का जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो रजिस्टर करवाना होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम नॉर्मली सुनते हैं कि 11 महीने का है जी या एक साल के ऊपर का है। और जो जी 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 अपनी बात पूरी कीजिए जी। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इसी बात को गवर्न करती है, पार्टी मिलके एग्रीमेंट को बनाते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज हो सकते हैं और कब वो इन्फोर्सेबल होंगे, यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करती है कि किस तरह के एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होंगे, किस तरह के एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। बेसिकली एग्रीमेंट होते जो हैं वो पार्टियों के बीच बनाए जाते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि कब एग्रीमेंट, किस कंडीशन में वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, एब इनिशियो वॉइड होगा, मतलब शून्य से ही उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी, कब एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और कब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल होगा, अगर दूसरी पार्टी ब्रीच करती है तो कोर्ट वो कैसे जा सकता है, और क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता, ये सब कानून के अंतर्गत होता है। चले बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि जो अगर कोई प्रस्ताव है उसको स्वीकृति अगर दोनों पक्षों की मिल जाती है तो उसे एग्रीमेंट हम कह सकते हैं, उसे समझौता कह सकते हैं। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर हमारे साथ भोपाल से राजन जुड़ गए हैं। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चलो, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं, फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, या फिर जो आज का हमारा विषय है कि समझौते से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है मानसो, स्टेट ऑफ माइनर एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 10(11) ये कहता है कि एग्रीमेंट करने के लिए पार्टी का मेजर होना जरूरी है, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए। इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो है वो माइनर का एज डिसाइड करती है, वो 18 साल का है। तो कहने का अर्थ ये है कि एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 18 साल के ऊपर है वही कॉम्पिटेंट है एग्रीमेंट करने के लिए, 18 साल के नीचे के लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन ये थोड़ा एक ग्रे एरिया भी है, सेक्शन 10 और 11 तो एक तरफ मना करता है। देखिए, इसमें अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं तो 1902 के पहले हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो बेसिकली इंग्लिश लॉ से गवर्न होता है, हम कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना 1872 में, तो उस समय ही ये प्रावधान आ गया था कि जो 18 साल के ऊपर हैं वही कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन जो उस समय की जुडिशरी थी, प्रीवी काउंसिल थी, वो कॉमन लॉ को फॉलो करते हुए ये मानकर चलती थी कि अगर माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो आप उसको इन्फोर्सिएबल कर दो, क्योंकि माइनर कुछ आगे कर जाता है उस एग्रीमेंट में, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्सिबल नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं माइनर का नुकसान हो सकता है। उसके बाद 1902 के बाद मोहरी बीवी केस आया, वो बड़ा ही फेमस केस है और हर लॉ स्टूडेंट को ये पता होता है।
उस केस में ये कहा गया, प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि माइनर अगर कोई भी एग्रीमेंट करता है तो वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब शुरू से ही वो शून्य होगा। उसके बाद लेकिन हमारी जो वास्तविक जो कानून है वो ये कहती है कि माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड, लेकिन क्या होता है इंडियन जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करके आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि कभी कभी जो माइनर एग्रीमेंट होते हैं उसको हम वैलिड मानते हुए उसको परफॉर्म करने की इजाजत देते हैं, और कहीं कहीं ये एक्सेप्शन भी है हमारे कानून में। जैसे आप सेक्शन 89 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को ले ले तो आप माइनर के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप माइनर के नाम से कोई भी रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो आप वहां पे तो एक पार्टी माइनर हो गया तो वो एग्रीमेंट बन गया, आपने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो उस केस में जो माइनर के फेवर में आपने ट्रांसफर किया वो वैलिड होता है। उसी तरह से अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का देखें तो उसमें भी ये प्रावधान दिया गया है कि आप माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट देने के लिए, उसके बेनिफिट जो भी पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स होंगे उसको देने के लिए आप जो है माइनर को एज ए पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में इंडक्ट कर सकते हो। और इंडियन जुडिशरी ने दो तीन और एक ऐसे एक्सेप्शन दिए हैं कि किस किस केस में जो है माइनर का जो एग्रीमेंट अगर वो कर चुका है तो आप उसको इन्फोर्स करो, अदरवाइज जो माइनर के एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो। चलिए बिल्कुल, राजन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने हाउसिंग बोर्ड से प्लाट लिया था भोपाल में रासलाकेड़ी में, और हाउसिंग बोर्ड ने मुझे उसकी रजिस्ट्री भी करा दी, मैंने चालान से सब उसके पैसे भी जमा कर दिए, परंतु उन्होंने मुझे जो बोलते हैं कब्जा नहीं दिया नाप के, उनका अब उस जगह पे हो गया है अतिक्रमण, तो मैं किसके प्रति अपने कानूनी वो कर सकता हूँ? ठीक है हिमांशु जी, क्या इन्हें रास्ता बताएंगे? जैसा ये कह रहे हाउसिंग बोर्ड ने दिया था, तो हाउसिंग बोर्ड को कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी डील करती होगी वहां पे मध्य प्रदेश में, तो इनका केस बनेगा सूट फॉर द पोजीशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इनकी एक एग्रीमेंट हुई होगी जिसमें ये कहा गया होगा कि आप इतने पैसे दोगे तो हम ये हाउस आपको देंगे, और उसी टर्म्स कंडीशन उसी में होंगे कि आपको पोजीशन कब मिलेगा उस फ्लैट का। और चूंकि जैसा ये बता रहे कि उनको अभी तक कब्जा दिया नहीं गया, तो इसमें दो एक साथ में सूट बनेगा, एक सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और उसी में एक और प्रेयर होगी कब्जे से रिलेटेड। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उस हाउसिंग बोर्ड को डील करती है वो उसमें पार्टी बनेगी। तो मेरा इनसे ये सुझाव है कि आप वहां पे सूट फाइल करें उन गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में, लेकिन उसके पहले आपको एक दो महीना का नोटिस देना होगा जो सीपीसी के अंतर्गत हम उनको भेजते हैं सूट फाइल करने के पहले, तो आप उनको सबसे पहले नोटिस दें, अगर दो महीने के अंदर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो आप गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट में जो हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड डील करता है आप उसके अगेंस्ट में सूट में जा सकते हैं कोर्ट में। बिल्कुल, जैसे ये भी चीज बता रहे हैं कि रजिस्ट्री भी इनके नाम पर हो चुकी है। जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सूट फॉर पोजीशन होगा, कब्जा लेने के लिए होगा, उन्होंने कब्जा नहीं दिया है तो कब्जा लेने के लिए आपको सूट फाइल करना होगा। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि राजन जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिल गया होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सीधा कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है उसका वाजिब जवाब, कानूनी रास्ता क्या हो सकता है, इसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइंस आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक दिल्ली से आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल है सर कि मैं प्रोसेस डेंटिस्ट हूं, मुझे अपनी एक नई क्लिनिक खोलनी है जी, जो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर खोलना चाह रहा हूँ सर। तो मैं यह जानना चाहता हूँ सर कि क्या अगर कोर्ट गए कुछ ऐसा प्रावधान है जिसे हम ये समझौता कर सकते हैं? हिमांशु जी बिल्कुल, जहाँ तक क्लिनिक खोलने की बात है तो आप पार्टनरशिप में क्लिनिक खोलना चाहते हैं और कहीं भी आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको डील करेगा। आप अगर एक पार्टनर के साथ क्लिनिक खोलना चाहते हैं आप बिल्कुल खोल सकते हैं, आपका एक पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप अपने पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्टर्ड करने से उसके काफ़ी सारे जो लीगल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और जहां तक आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेंटिस्ट एक्ट के अंतर्गत जो भी आपके नॉर्म्स और प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा आप वहां पे फॉलो करेंगे,
और जहां तक बात रही पार्टनरशिप फर्म खोलने की, तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं। आपको पार्टनरशिप डीड बनाना होगा, जो स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगी दिल्ली के अंतर्गत, वो आपको देना होगा और आप उसकी रजिस्ट्री करवाकर, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाकर आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो तरीका आपको हिमांशु जी ने बताया, अगर आप उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं तो आशुतोष निश्चित तौर पर आपका जो सवाल था, जो दिक्कत आपके सामने थी, वो दिक्कत आपकी जरूर दूर होगी। हम अपने दर्शकों से भी इसीलिए बार बार अपील करते हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने हो। आज जिस विषय के साथ हम आए वो समझौते से जुड़े कानून से जुड़ा हुआ है कि समझौते से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहते हैं, उनकी बारीकियों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ हिमांशु जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, तमाम लोग इस बात को लेकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों एक चीज़ें होती हैं, अंतर होता है? जी बिल्कुल अंतर होता है और बहुत बड़ा अंतर होता है। और इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो डेफिनेशन दी हुई है, मैं उससे ये समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए सेक्शन 2E जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है एग्रीमेंट को और उसका डिफिनेशन ऐसा है, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। मतलब प्रोमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुट जाती है तो वो एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट पार्टी आपस में मिलकर बनाती है। जैसे मैं और आप एक एग्रीमेंट के अंदर इंटर हुए कि मैं ये करूंगा और इस एवज में आप मुझे ये दोगे, तो ये पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट बनती है जिसको सेक्शन 2E डिफाइन करता है। और वहीं पे सेक्शन 2H जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है और उसका डिफिनेशन ये है कि व्हेन द एग्रीमेंट इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ देन इट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। कहने का अर्थ ये है कि एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में होती है और जब वो एग्रीमेंट उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी चीजें दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को पार कर जाता है तब वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल फिक्शन है और एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में बनती है और जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं अल्टीमेटली इट मींस डैट कि वो एग्रीमेंट आपका लॉ के अंतर्गत इन्फोर्सिबल हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा नाम दिया गया है और पार्टीज एग्रीमेंट करती है, तो हम इस वर्ड को बड़ा ही चुन के हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि जब एग्रीमेंट हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसका सिर्फ मतलब ये है कि पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और जैसे ही हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कहने का अर्थ ये हो जाता है कि ये वैसा एग्रीमेंट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं उसको फुलफिल करता है और कानून इसको मान्यता दी है कि एग्रीमेंट अपने आप ये इन्फोर्सेबल होगा। जी अली, एक और दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अली आपका, अपना सवाल कीजिए। जी अली जी, आवाज मिल पा रही? आप अपना सवाल कीजिए और टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। जी हाँ, आवाज आ रही। जी आप सवाल कीजिए सर। मामला है मेरा मेरा एक निलंबन से संबंधित है। जी निलंबन से संबंधित मामला है। सवाल कीजिए सर। हाँ तो निलंबन संबंधित मामला है, मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है। 8-10 साल एक छोटा सा गलती के लिए या एक दिन अब्सेंसी के लिए मुझे निलंबित रखा गया 10 साल और उसमें दिया कि एक वेतन वृद्धि रोकी जाती है, अस्थायी रूप से रोकने का दंड दिया गया। और उसके बाद अब पूछते हैं कि क्या निलंबन काल के हमको सेवा अवधि माना क्यों माना जाए, और निलंबन अवधि में जो आपको भत्ता मिला है जीवन निर्वाह भत्ता उसी में उस भत्ते को क्यों नहीं एडजस्ट कर दिया जाए, इसमें मुझे कानूनी सलाह की जरूरत है, इसमें आप बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है हिमांशु जी, देखिए पहला तो हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ पे ये काम करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं और ये वर्कमैन नहीं है, अगर वर्कमैन है तो इनका मामला बनेगा लेबर कोर्ट में, अगर ये अदरवाइज स्टाफ है तो इनका मामला बनता है कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और जो सस्पेंशन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो ऐसा है कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई अपने एम्प्लॉय को सस्पेंड करती है तो कोई ना कोई कारणवश करती है, हमें कारण का पता नहीं चला कि किस कारण से इनका सस्पेंशन हुआ। जी जी। और जिस कारण से उनको सस्पेंड करती है और बाद में जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी होती है और जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं और उसके बाद ये फाइंड आउट ये रीजन आ जाता है और ये जजमेंट अगर आ जाती है कि नहीं ये दोष मुक्त हैं, ये मतलब बिल्कुल भी ये निर्दोष थे और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो सही नहीं था, जो भी चार्जेस थे इनके अगेंस्ट में फेल हो जाते हैं, तो उस केस में नॉर्मली जो सस्पेंशन पीरियड के अंतर्गत
हाफ वेजेस पहले मिलते हैं और उनको वेजेस को पूरा दिया जाता है। लेकिन अभी एक रिसेंट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की इस रिगार्डिंग आई है नो पे नो वर्क के कंटेक्स्ट में कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं जी तो आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, हाफ पेमेंट ही मिलेगा। तो ये जो इनका जो केस है ये पूरे फैक्ट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या इनके खिलाफ मामला बना था क्या नहीं था। अगर ये बिल्कुल भी निर्दोष होंगे तो ये फिर रिट जुडिडिक्शन में भी जा सकते हैं और इनको पैसे पूरे जो इन्होंने जो सस्पेंशन पीरियड के इनके पूरे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इनके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेंगे कि इनके अगेंस्ट में क्या चार्ज था और इनका एक्विटल हुआ तो किस ग्राउंड पे हुआ, मेरिट पे हुआ या बेनिफिट ऑफ डाउट पे हुआ। चलिए बिल्कुल अली जी, हम आपसे इस बात को लेकर गुजारिश भी करते हैं कि जो भी आपकी समस्या है पेंशन इससे जुड़ी हुई तो आप उससे संबंधित जो भी दस्तावेज आपके पास हैं उनकी अगर एक कॉपी आप हम तक पहुंचा सकते हैं तो उसके बाद उसका निरीक्षण करने के बाद क्या बेहतर विकल्प आपको हो सकता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा हिमांशु, आपने अभी स्टाम्प का जिक्र बीच में किया था, एग्रीमेंट में स्टाम्प पेपर का रूल क्या होता है? देखिए हर स्टेट का अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी होती है। स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे की जाती है अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हैं किसी भी तरह का, जैसे कोई पार्टनरशिप डीड बनती है या कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक एफिडेविट बनता है, सेल परचेज एग्रीमेंट बनता है, लीज एग्रीमेंट बनता है, तो हर स्टेट में अपने अपने स्टाम्प ड्यूटी होती है और उस स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से आपको पे करना होता है। नॉर्मली आज के डेट में ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। अगर आप एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं या कुछ बनाना चाह रहे हैं तो दिल्ली का रेट उसका 50 रुपए है, तो आपको 50 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी परचेज करनी होगी और वहां पे फर्स्ट पेज पे आप नाम लिख सकते हो कि मतलब क्या पर्पज है आपका जो एग्रीमेंट बनाना है और उसके बाद आप एग्रीमेंट बना सकते हो। और फिर वो एग्रीमेंट में दो चीजें हो सकती है, या तो आप उसे नोटराइज करवा लो नहीं तो रजिस्टर्ड करवा लो। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन को डील करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और जो डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है उसको आप नोटराइज भी करवाओगे तो उसका लीगल इन्फोर्समेंट आपको मिलता है उस डॉक्यूमेंट का। तो ये डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी रजिस्टर होने चाहिए। जैसे कि जो रेंट एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर का होता है तो वो कंपलसरी रजिस्टर आपको करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाते हो तो फिर उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, लॉ में उसको एज एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जाएगा। जी चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आप हमारे साथ जुड़े और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुँचाया। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम रोज़ यहां पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।